खबर सिवनी जिले से है, जहां धनसौर तहसील के ग्राम दारोट कला में आज विवादित जमीन का सीमांकन करने राजस्व अमला पहुंचा। आपको बता दें कि ग्राम दारोट कला में जमीन विवाद को लेकर कई वर्षों से विवादित जमीन का बार बार सीमांकन किया गया, इसके बाद भी आवेदक सीमांकन से संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके चलते आज धनसौर के नायब तहसीलदार अरुण दुबे ने खुद दूसरी टीम से जमीन का सीमांकन कराया है। इसी दौरान नायब तहसीलदार को ग्रामीण जनों ने बताया कि विवाद प्लॉट की जमीन को कब्जा करने का है, जिसके बाद नायब तहसीलदार अरुण दुबे ने प्लॉट को नापने के लिए अलग से आवेदन देने को कहा, तो ग्रामीण जनों ने आरोप लगाते हुए पक्षपात करने की बात कही। इन सब विषयों को देखते हुए नायब तहसीलदार अरुण दुबे ने सूझबूझ से ग्रामीणों को समझाते हुए सीमांकन कराया और कहा कि यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सिवनी से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। अमन साहू जी ने जो मेरे को आवेदन दिया है उस संबंध में मैं उसके निराकरण के संबंध में मैं न्यायालय में उपस्थित होकर उसमें प्रकरण दर्ज करूंगा। जिसके खिलाफ उन्हें आपत्ति दर्ज कराई है उसको नोटिस देके सुनवाई में लूंगा, उनका जवाब उनके मूल दस्तावेज से अवगत होगा, उनके दस्तावेज देखे जाएंगे, यदि आवश्यक हुआ तो उन दस्तावेजों के आधार पर मौके का उस विवादित स्थल का भी मौके पर चिन्हांकित करके और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।